हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू सक्सेस स्टेप। माय नेम इज़ साधना एंड टुडेज लेक्चर हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। किसी भी कंट्रीज़ में जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, तो उनकी उसके वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें, वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के थ्रू होता है। इसमें डिफरेंट वेज होते हैं, GDP, GNP, GVA, NNP। तो आज हम उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे GDP क्या है, मेथड्स ऑफ GDP कैलकुलेशन, GNP, NNP, GVA, नॉमिनल एंड रियल GDP एंड GNH। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ GDP। GDP एक कंट्री की टेरिटरी में एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उस टोटल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को GDP बोलते हैं। ये आइदर डोमेस्टिक कंट्री कंपनीज के थ्रू वो प्रोडक्शन हो, या फिर कोई फॉरेन की कंपनी हमारे कंट्री में आकर जो प्रोड्यूस करती है, उन सारे टोटल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को कैलकुलेट करके GDP बनता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया में GDP का एस्टिमेट CSO के थ्रू होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर मार्च तक के टर्म को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक रहता है। GDP कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, आइए उन्हें देखते हैं। फर्स्ट होता है इनकम मेथड, सेकेंड वैल्यू एडेड मेथड, थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। तो इनकम मेथड में क्या होता है, एक कंट्री में जितने भी फर्म्स होते हैं, वो एक फर्म, फॉर एग्जांपल एक फर्म की बात करते हैं, तो वो फर्म जिस भी लैंड पे इस्टेब्लिश होता है, उस लैंड की रेंट, वो फर्म उस फर्म में काम करने वाले वर्कर्स को जो वो फर्म वेजेस पे करेगा, वो वेजेस प्लस इंटरेस्ट, वो उस फर्म में जितने भी कैपिटल इस्टेब्लिश्ड हुए थे, कैपिटल फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स, फॉर एग्जांपल मशीनरीज, उन पे वो जो इंटरेस्ट पे करेगा वो फर्म, वो इंटरेस्ट प्लस उस फर्म से जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है, वो इन सब के सम टोटल को मिलाकर इनकम मेथड के थ्रू हम GDP कैलकुलेट करते हैं। किसी भी फर्म का इनकम 4 वेज में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, आर फॉर रेंट, वर्कर्स को पे करने में वेजेस, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। सो टोटल फर्म्स, एक इंडिया में टोटल जितने भी फर्म्स हैं, उस फर्म के इनकम को इन 4 फॉर्म में ये स्पेंड होते हैं, तो इन चारों को कैलकुलेट करके इनकम मेथड के थ्रू GDP निकलती है। अब सेकंड है वैल्यू एडेड मेथड। इसमें क्या होता है, टोटल वैल्यू एडेड बाय एनी इंडिविजुअल और ऑल द फर्म्स इन एन इकॉनमी। जितना भी वैल्यू का एडिशन होता है एक फर्म के थ्रू, उन सब का टोटल हुआ वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू GDP। फॉर एग्जांपल एक टी सेलर है, वो एक चाय बनाता है, उस चाय की कीमत उसने रखी 100 रुपये, और उसमें उसको इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज गुड्स जो लगे, मतलब कि एक प्रोडक्ट को बनाने में जो बीच में कंज्यूम हो जाते हैं गुड्स, उसके मिड में, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। एज इंटरमीडिएट नेम से ही समझ में आ रहा है। सो वो टी सेलर, उसने कितना वैल्यू एडिशन किया, 30 का उसने मिल्क लिया, 30 का मिल्क लिया और 20 का वाटर, फॉर एग्जांपल, और प्लस उसने ये हो गया उसका 50 रुपीज़ का इंटरमीडिएट गुड्स, प्लस उसने 50 रुपीज़ और ऐड कर 100 रुपये में चाय बेची, मतलब उसने 50 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन किया है। तो इंडिया और फॉर एग्जांपल एनी कंट्री में टोटल जितने भी फर्म्स हैं, वो जितना वैल्यू ऐड करते हैं, उन सब के टोटल को मिलाकर GDP एंड वैल्यू थ्रू दिस कैलकुलेट होती है। अब थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। एक कंट्री में जितने भी गुड्स एंड कम्युनिटीज प्रोड्यूस्ड होते हैं, वो इस कंट्री में रहने वाले पीपल्स, फर्म्स या फिर गवर्नमेंट के द्वारा ही बाई किए जाते हैं। तो वो एक्सपेंडिचर जो एक हाउसहोल्ड के द्वारा और एक इंडिविजुअल के द्वारा स्पेंड किए गए हैं, वो आता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, दैट इज़ डिनोटेड हेयर विद सी।
और फर्म्स के द्वारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई, गवर्नमेंट जो स्पेंड करेगी वो हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी, प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू हो गया नेट इम्पोर्ट, सॉरी नेट एक्सपोर्ट। अब ये नेट एक्सपोर्ट को समझ लेते हैं, जो भी अपनी कंट्री में जितनी भी कम्योडिटी प्रोड्यूस्ड हुई हैं वो कुछ एक्सपोर्ट के लिए भी जाएंगी, और उस एक्सपोर्ट से जो अर्निंग हुई है वो भी उस अमाउंट को भी तो वापस अपनी कंट्री में कुछ खरीदने के लिए या फिर किसी कम्योडिटी को बाई करने के लिए स्पेंट होगा। सो फॉर दैट एक्स, और कुछ कम्योडिटीज़ बाहर इम्पोर्ट के लिए भी जाएंगी, तो सॉरी इम्पोर्ट के लिए जाएंगी नहीं, और कुछ इंडियन पीपल गवर्नमेंट फर्म्स इम्पोर्टेड सामान भी खरीदेंगे, तो इम्पोर्टेड सामान को खरीदने में जो पैसे स्पेंट हुए उसको माइनस करना होगा। सो माइनस एम, एम फॉर इम्पोर्ट। तो दिस हाउ एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जीडीपी कैलकुलेट होती है। जो भी एक इंडिविजुअल ने स्पेंट किया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस जो फर्म ने स्पेंट किया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने जो स्पेंट किया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस नेट एक्सपोर्ट, जितना हमने एक्सपोर्ट में खर्च किया माइनस जो इम्पोर्ट में खर्च किया, जितना हमने एक्सपोर्ट में अर्न किया माइनस जितना इम्पोर्ट में खर्च किया, तो वो हो गया हमारा एक्स माइनस एम। तो इन थ्री मेथड से जीडीपी कैलकुलेट होती है। अब देख लेते हैं जीएनपी क्या होता है। जीएनपी टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल सिटीजन ऑफ एन इकोनमी इज कॉल्ड जीएनपी। जीडीपी था टोटल वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, वो या तो डोमेस्टिक कंपनी करे या फिर फॉरेन की कंपनी करे, बट जीएनपी के अंडर एक नॉर्मल सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन उसे बोलते हैं जो भी उस कंट्री में एक साल या एक साल से ज़्यादा से रह रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में ही हो, उसे बोलते हैं रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। और उस रेसिडेंट के थ्रू उस कंट्री में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं उसके टोटल वैल्यू को बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इसका फॉर्मूला यहाँ पर है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो हमारा जीएनपी निकलेगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, जो कुछ भी इंडियन कंपनी या फिर इंडियन सिटीजन्स फॉरेन में जाकर अर्न कर रहे हैं आइदर थ्रू वेजेस सैलरीज और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उनमें से जो फॉरेन की कंपनी इंडिया में आकर अर्न कर रही है उसको माइनस करने से हमारा नेट निकलता है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी एट करंट प्रिवेलिंग प्राइस, जीडीपी जो अभी जो प्राइस चल रही है उस पर जो कैलकुलेट होते हैं उसे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ये इन्फ्लेशन के साथ कैलकुलेट होती है नॉमिनल जीडीपी। अभी जो भी कंट्री में जितने भी जितना भी करंट प्रिवेलिंग प्राइस है ये उसको ऐड करके होती है। अभी देखिए रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन नहीं ऐड होता, यहाँ पे जीडीपी बेस प्राइस बेस ईयर के प्राइस पर कैलकुलेट होती है। बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर एक कोई भी ईयर होता है जिसमें प्राइस को कांस्टेंट रखने के लिए वो ईयर यूज़ किया जाता है, जिसमें उस ईयर में प्राइस कांस्टेंट रहे, जिसमें कोई एक्सट्रीम इवेंट ना हुआ हो लाइक डिमोनेटाइजेशन जीएसटी एटसेट्रा। तो इंडिया में बेस ईयर 2011 टू 12 है। सो बेस ईयर क्या है, सो रियल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी कैलकुलेट होती है बेस प्राइस पर। दैट मीन्स 2011-12 में अगर एक चॉकलेट की प्राइस 2 रुपये थी तो अभी भी हम वो उसी 2 रुपये को कंसिडर करके उसकी प्राइस निकालेंगे। इसमें इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट को रिमूव करने के लिए रियल जीडीपी यूज़ करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, ये रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, इन दोनों के रेशियो को जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी से इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल
2011-12 में जो बेस ईयर था हमारा, उस टाइम चॉकलेट की प्राइस 2 रुपये थी, और अभी के 2019 में चॉकलेट की प्राइस 4 रुपीज़ हो गई है। तो ये कैलकुलेट होगा रियल नॉमिनल पर, और ये कैलकुलेट होगा रियल जीडीपी पर। तो अगर हम 10 चॉकलेट की प्राइस निकालते हैं तो अभी 40 हो गया और रियल के टाइम पे 20, दैट मीन्स डबल द अमाउंट इन्फ्लेशन इंक्रीज कर गया है। अब देखते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या होता है। ये टर्म स्टार्ट हुआ था भूटान में, जहाँ पे एक नेशन की प्रोग्रेस को सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पर ही कंसीडर, इकोनॉमिक फैक्टर्स को ही कंसीडर करके नेशन के प्रोग्रेस को नहीं देखा जाता, बल्कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी कंसीडर किए जाते हैं। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक पीपल्स के लिविंग स्टैंडर्ड क्या हैं, उन्होंने कितने एजुकेशन ली हुई है, गुड गवर्नेंस, पीपल्स की हेल्थ, साइकोलॉजिकल वेलबींग, वहाँ का इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।